हेलो दोस्तों, जीएस बून पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और इस जीएस बून पर आज उसी तरह का टॉपिक ऊर्जावान लेकर आए हैं जो आप सभी लोग पढ़ते रहते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित, जिसे आप सभी लोग कहते हैं 16 महाजनपद या महाजनपदों की आज बात करने वाले हैं। तो महाजनपद का उद्भव कब हुआ, कब ये चर्चा में आए, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनका उद्भव माना जाता है। और अब यहीं से कहानी शुरू होती है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद को कैसे क्या माना गया, आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग। कहा गया है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, कौन सा निकाय, अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व समस्त उत्तर भारत में 16 बड़े राज्यों में विभाजित था, और इन्हें 16 या इन्हीं को खोट से महाजनपद कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और हर एग्जाम में बिहार हो, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपीआर हो, यार हो, हर जगह आपको हर बार एक या दो प्रश्न यहाँ से मिलते हैं, कभी कभी तो चार मिल जाते हैं कि इनकी राजधानी, इनका वर्तमान स्थान, या ये वर्तमान में कहाँ पर है, इनकी चर्चा और परचर्चा की जाती है। आगे कहा गया तो जैन धर्म में जैन ग्रंथ एक था भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। ये है आपके 16 महाजनपदों का इतिहास। आइए बात करते हैं, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा 16 महाजनपद यहाँ पर लिखे, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं। और कहा गया पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चिपकाई लो, है ना। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत इसकी राजधानी चंपा थी। तो क्या थी, तो आप सभी लोग देखेंगे कि उत्तरी बिहार या उत्तरी बिहार के वर्तमान जो आपका भागलपुर है, मुंगेर के जिले अंग, कौन सा अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे, किसके अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे, जिसकी राजधानी क्या थी, चंपा। मैं कहती हूं ना चिपकाए लो अपने सीने से, तो चिपकाए लो अपने अंग से, तो अंग की राजधानी क्या है, चंपा है, ठीक है। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। तो बुद्ध के समय में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध के समय में 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। कहा गया महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं, चंपा, राजगिरी, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती, जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे कहा गया कि दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना वास्तुकार कौन, महागोविंद ने की थी। किसने की थी, महागोविंद ने की थी। आप सभी लोग कहते हैं कि थोड़ा सा समझा दीजिए, इसमें जब आपके सामने पीपीटी लगाई जाती तो इसमें आपको मैं क्या ही समझाऊं, इसीलिए तो पीपीटी में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ने का प्रयास किया जाता है कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हों या पूछा गया हो, जो आने वाले समय में पूछा जाए, ठीक है। आइए, कहा गया वैशाली के लिच्छियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। अब इनका ट्रिक है, आप देखिएगा इनका ट्रिक है, अब अपचे का गांव कुसुम को कम आम देगा, अब आपचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। आइए देखते हैं, तो इनका ट्रिक जरूर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए एक एक बात करते हैं, आधुनिक स्थल कहाँ कहाँ पर है। तो पहला आपका आता है कुरु की, जो कुरु महाजनपद था उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ था। क्या था, इंद्रप्रस्थ। ये मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के अंतर्गत आधुनिक स्थल आते हैं। पांचाल, जिसकी राजधानी दो थी, एक आपका अहिच्त्र और एक आपका कांपिले था, जो बरेली, बदायूं और आपका फरुखाबाद में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूरसेन या सुरसेन, जो आपका मथुरा का क्षेत्र आता है, मथुरा के आसपास का क्षेत्र वर्तमान समय में आता है। वत्स्य कौशाम्बी और इलाहाबाद तथा बांदा का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। कहा गया कौशल, साकेत तथा श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, ठीक है ना। अवध का क्षेत्र या फैजाबाद का मंडल माना जाता है। मल्ल, तो मल्ल के अंतर्गत कुशीनगर और पावा जो देवरिया जिला के अंतर्गत आता है। काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी, वर्तमान समय में भी वाराणसी में ही है। अंग की राजधानी क्या है, चंपा, जो भागलपुर तथा मुंगेर में है वर्तमान स्थिति। मगध, सबसे विशाल या सबसे मजबूत अगर कोई महाजनपद था तो वो मगध था, ठीक है ना। तो गिरिव्रज और राजगिरी और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी मानी जाती है, जो अभी वर्तमान में दक्षिणी बिहार,
पटना व गया पर है। वज्र तो मिथिला, वैशाली और जनकपुरी माना जाता है, जो मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा अभी वर्तमान समय बिहार में है। चेदी जो आप कहेंगे सुक्तिमती और आप कह सकते हैं सुत्यवती, ठीक है, सुत्यवती जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है मत्स्य, विराट नगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विराट नगर इनकी राजधानी थी, किसकी, मत्स्य की, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगर जो जयपुर में स्थित। अस्मक इनका पोतन और पोटिल था जो आपके गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है वर्तमान। अवंती जो उज्जैनी और महेशमती के नाम से इनकी राजधानी, दो राजधानियां थी जो पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आती। गांधार जिनकी राजधानी तक्षशिला है वर्तमान में पेशावर तथा आपका रावलपिंडी पाकिस्तान के क्षेत्र पर आता है। कंबोज जो आपका यहाँ पर हाटक या राजपुर दो राजधानियां थी, तो कहा गया है कि दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा अफगानिस्तान का कुछ भाग माना जाता है, ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। आइए देखते हैं, कहा गया वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य हुआ करता था, कौन सा, वैशाली। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद वंश था, कौन सा, बृहद वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद का पुत्र कहा गया जरासंध था, जिसने गिरिविरज या राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट चिपका लो, महाभारत के कहा गया वन पर्व में राजगिरी को जरासंध की राजधानी बताया गया है। अगर महाभारत में पूछा जाए कि महाभारत के अनुसार जरासंध की राजधानी क्या थी, तो वहां पर कहा गया है कि राजगिरी को उनकी राजधानी बताया गया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मृग कहा गया मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंदु बिंबिसार था, कौन था, तो आप कहेंगे बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था, किससे, हर्यक वंश से। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी राजा कौन था, तो बिंबिसार था, ठीक है। कहा गया जात से पता चलता है कि मगध अंग और कौशल पर काशी का अधिकार था, किससे, मगध अंग और कौशल पर किसका अधिकार था, काशी का अधिकार था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था, इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है, याद रखेंगे चिपका करके अपने साथ इसको। आगे कहा गया अंतोगत्ता कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। अब क्या हुआ, कौशल के राजा कंस ने काशी को जीत करके अपने राज्य में शामिल कर लिया। कहा गया प्रसन्न जीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य के और केशपुत्र के कलाम और आपके कहा गया राम गाम के कोली पावा और कुशीनगर के मल्ल और पिपलीवन के मोरी आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था। और प्रसन्नजीत पांच राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। तो प्रसन्नजीत बड़ा ही बलशाली माना जाता था। तो प्रसन्नजीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कहाँ कहाँ पर था बताया गया है, याद रखिएगा। आगे कहा गया कि रामायण के कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी और कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती, अयोध्या और साकेत थे। बुद्ध काल में कौशल के दो भाग हो गए। कहा गया उत्तरी भाग की राजधानी साकेत तथा दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी, याद रखना। उत्तर कहा गया पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था, इसके दो भाग थे और एक की राजधानी पावा या पडरौना तथा दूसरे की राजधानी कुशीनगर या काश्या थी, ठीक है, याद रखिएगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके सीमावर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था, इसकी राजधानी कहा गया सोथियती थी, जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में चेद का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिपका लो भाई साहब। इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी क्या बनाए, प्रवाह में बह जाने के साथ बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। और बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था और यहाँ का शासक उदयन था, कौन था, उदयन था। और यहाँ पर उदयन ने कहा गया वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित थी, तो उदयन ने क्या, वासवदत्ता की दंत कथा से उज्जैन से संबंधित थी। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक किसमें
तो इसमें वर्णित किया है। तो क्या अब इनका नाटक है? तो स्वप्नवास वदतम, स्वप्न स्वप्नवास वदतम में किसने, तो आप कहेंगे महाकवि भास ने अपने नाटक में वर्णित किया है। कुरु महाजनपद मेरठ दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में स्थित था, इंपॉर्टेंट है। कहा गया महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी नगर राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरवाय हुआ था। कौन था? कौरवाय था, याद रख। पांचाल महाजनपद आधुनिक रोयलखंड के बरेली बदायूं तथा फरुखाबाद जिलों से मिलकर बनता था। प्रारंभ में इसके दो भाग थे, ठीक है। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र होती थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य हुआ करती थी। कहा गया पांचाल महाजनपद के अंतर्गत यहाँ पर कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक वह एक गणराज्य हो गया था। जरूर चिपका लो अपने साथ। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर और भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराट और स्थापना विराट नामक राजा के द्वारा की गई थी, इसलिए इनकी राजधानी विराट डाली गई थी। विराट नगर भी आप कह सकते हैं राजधानी थी। कहा गया सुरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ है। इसकी राजधानी मथुरा थी, ठीक है, याद रखें। अस्मंग महाजनपद गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित था। महाजनपदों में केवल अस्मंग ही दक्षिण भारत में स्थित था। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण में। अवंती महाजनपद पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद के दो भाग थे, उत्तरी अवंती की राजधानी आपकी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी आपकी महाष्मती हुआ करती थी। बुद्ध काल में कहा गया अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रदोत था। कौन था? प्रदोत था, इंपॉर्टेंट है, चिपका लो। बिंबिसार के समय में मगध के साथ प्रदोत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रदोत को पांडुरंग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था और ठीक भी किया था। और प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में जिसे उत्तरापद भी कहा जाता है दो जनपद थे, और जनपद कौन थे? तो गांधार और आप कहेंगे कंबोज थे, ठीक है, जरूर याद रखेंगे। कहा गया गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों में स्थित था। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी और कौटिल के कंबोजों को वार्ता स्त्रो परजीवी संघ अर्थात पशुपालन कृषि और वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा जाता था। चिपका लो भाई ना, कौटिल के कंबोजों को क्या क्या कहा जाता था तो इनको चिपका लीजिएगा। प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था, ठीक है। 16 महाजनपदों में 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये महाजनपद मोस्ट इंपॉर्टेंट, काशी कोसल वत्स मल्ल कुरु पंचाल सुरसेन तथा चेदी थे। 8 महाजनपद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से थे। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य कौन कौन से थे? तो कपिलवस्तु के शाक्य थे। कहा गया सुमसुमारगिरी के भाग्य थे। कहा गया अल्कल्प के मुली थे और केशपुत्र के कलाम थे। और कहा गया राग गामा के कोली थे और कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल और कहा गया पिपलीवन के मोरी थे और वैशाली के लिच्छवी और मिथिला यहाँ के विदेह थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अपने साथ चिपका कर रखेंगे। और फिर इसके बाद कहा गया सिक्कों के अध्ययन को क्या क्या कहा गया यहाँ पर, दो आपका 6 शताब्दी ईसा पूर्व शुरू हुआ तो यहाँ से इनको कहा गया है कि न्यूमो टिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के कहा जाता है, ठीक है, याद रखें। चांदी के बने होते थे, किसके? चांदी के बने होते थे। और चांदी के बने हुए सिक्कों को क्या कहा जाता था आप जरूर बताएंगे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के कहा जाता था। और इस सिक्के 6 शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य से प्राप्त होते हैं। किसे? मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। ये आपका बस लास्ट है और ये आपका
मगध राज्य जो था, मगध, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से मगध ही निकल कर आता है। तो भारत में 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध, जो वर्तमान में कहां है, पटना पर या गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। इनके आसपास घने जंगल थे। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी, जो मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग करते थे हम लोग। भाई औजार उतने समय बहुत जरूरी हुआ करते थे। इस राज्य पर 3 महत्वाकांक्षी वंशों ने शासन किया, जो आपके अलग अलग है और उनकी चर्चा नहीं करेंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए या उन सबको पाने के लिए आप सभी को 9889 पर 9889506523 पर आपको मैसेज या कॉल करके वीडियो लेने पड़ेंगे। आप सभी के बीच में ये क्लास यहीं तक रखते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप सभी को आरओ आरओ की टेस्ट सीरीज, आरओ आरओ के नोट्स इस तरह आपको दिए जा रहे हैं। आप सभी लोग हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का इस तरह आप नोट्स पा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी आपकी पेड़ चल रही। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में और फिर मिलेंगे। हर एक वंश को देखते हैं, अगर मन करेगा तो पढ़ा सकते हैं ना, नहीं तो आप इस पर कॉल करेंगे, आपको वीडियो वहां पर मिल जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।